بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا الله يعلمكم الله काबिल एहतराम भाइयों दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह ताला ने तीन जिम्मेदारियां हर मुसलमान मर्द और औरत पे रखी हैं। चौथी जिम्मेदारी नहीं है, पूरे दीन का खुलासा। तीन जिम्मेदारियां हैं। नंबर एक, अपना दीन हम सीखें, ये सब पर जरूरी है कि अपने दीन का आदमी सीखे, दाएं बाएं जो भी अल्लाह के अहकामात हैं उन अहकामात को सीखे। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि हम फजाइल बताते हैं ताकि हम मसाइल तक पहुंच जाएं। नमाज के मसाइल हैं, ज़कात के मसाइल हैं, मीरास के मसाइल हैं, सारे मसाइल हैं, अहकामात हैं। और अहकाम कभी बदलते नहीं, ऊपर से जो हुक्म आ गया वो आ गया। भाई नमाज पढ़ो, अभी हुक्म नहीं आया था कि नमाज मत पढ़ो। अमूमी तौर पर ये होगा कि नमाज पढ़नी पड़ेगी आपको। हाँ, कोई माजूर है, कोई बीमार है, तो उसके लिए शरीयत जो है वो नरमी बरती है। चलो भी इसके लिए ही नरमी है, लेकिन ये कि सेहतमंद है वो कल भी। मैं जो है रमज़ान का महीना आया, गर्मी के महीने में आ गया रमज़ान का महीना, भी चलो मशवरा करके ये कर लो कि सर्दी में रोज़ा रख लेंगे, ये नहीं चलेगा। तो तीन जिम्मेदारियां याद रखना। नंबर एक, अपना दीन सीखना। नंबर दो, अपने दीन पर चलना। सीखा चला नहीं, हशर के मैदान में पकड़ा जाएगा। आप चले क्यों नहीं, अहकामात पर चले क्यों नहीं? ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कोई हुक्म अल्लाह का ऐसा नहीं है कि जो आदमी उसे पूरा न कर सके। एक पहाड़ यहाँ से उठाकर वहाँ रख दो, एक पहाड़ वहाँ से उठाकर यहाँ रख दो, ये हुक्म शरीयत नहीं देती। शरीयत तो बहुत आसानी है हमारे दीन यूसुफ। कुरान में कहा युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र, हम जो तुम्हारे लिए आसानियां चाहते हैं, तंगियां नहीं चाहते। तो तीन जिम्मेदारियां, एक अपना दीन सीखो, दूसरा अपने दीन पर चलो, और तीसरा अपना दीन दुनिया में फैले उसकी कोशिश में आदमी लगा रहे, आगे भेजे दीन को। जिस तरीके से हो सके कदम के जरिए, कलम के जरिए आदमी अपने दीन की हिफाजत भी करे और अपने दीन को फैलाए भी। किसी एक को एक बात बता दो, दूसरे को एक बात बता दो, किसी को कोई दुआ सिखा दो, किसी को अल्लाह रसूल की बात बता दो। ये तीन जिम्मेदारियां हैं। ये तीन जिम्मेदारियां अगर आदमी ने पूरी नहीं की तो हशर के मैदान में कठघरे में खड़ा किया जाएगा, और वो अशर का मैदान आना यकीनी है। ये नहीं है कि खादी चीज़ है ना। कुरान शरीफ में तीन मजमून बहुत बयान किए हैं, तौहीद, रिसालत, आखिरत। मरना यकीनी है, जिंदगी हकीकत जो है वो मौत है। हर चीज़ का आदमी इनकार करेगा, मौत का इनकार नहीं कर सकता। तीन जगह कुरान के अंदर अल्लाह ने कहा है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। ये जिंदगी की हकीकत है। अच्छा, हमारी उम्र कर दी कम, इस उम्मत की उम्र जो है 70-70 साल,
पिछली उम्मतों की उम्रें बहुत लंबी लंबी होती थी, जिन्नातों की उम्रें अभी लंबी होती है। जिन्नात जो है अल्लाह के मखलूक है, अहकामात उनकी तरफ भी नाजिल किए गए हैं। शरह रहमान के बारे में जिन कहते थे, हमारे बारे में नाजिल हुई है। किसी भी किसी पर जिन लगाओ इतना कह दो सूरह रहमान की कदर कर, वो जिन्ना थक जाएगा। जिन्नात उसकी बहुत इज्जत करते हैं। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले सूरह रहमान नाजिल होती, जिन्नतों को सुने। जब सूरह रहमान नाजिल हुई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्नतों को सुनाई। जब फबिया आला रब्बुकुम कज़बान पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचते थे तो सारे जिन हाथ उठाकर कहते थे, ला बिशय मिन नियामिक रब्बिना नुकज़्ज़ी फलकल हम्द। जहाँ फबिया आला रब्बुकुम कज़बान पहुँचे 31 मरतबा फबिया आला रब्बुकुम कज़बान आया है 31। जहाँ हुजूर जिन ये सूरह रहमान पढ़ते थे जिन्नातों के सामने, और जहाँ इस आयत पर पहुँचते थे फबिया आला रब्बुकुम कज़बान, तो सारे जिन जोर से बोलते थे, ला बिशय मिन नियामिक रब्बिना नुकज़्ज़ी, ला तेरी कौन सी नेमत का हम इनकार करेंगे, लकल हम्द व लकल शुक्र, तेरा शुक्र है। तो जिन्नात कहते थे हमारे बारे में नाज़िल हुई। इसमें अल्लाह ताला ने बहुत चीज़ें बयान की है, कई याकूत मरजान बयान किया, कई मरज अलबहरैन बयान किया, कई जन्नत बयान की, कई जहन्नम बयान की। इसके लिए इसके खवास भी बहुत हैं सूरह रहमान के। शादियाँ नहीं होती कि फरमाया लड़की से कहो 31 मरतबा तो सूरह रहमान पढ़, शादी हो जाएगी इंशाल्लाह। ये फुकहा ने लिखा है, जो 31 मरतबा आया है फिर यह आला रब्बुकुम कज़्ज़िबा, सलफ़ सालिहीन बताते थे अपने शागिर्दों को, अपने शागिर्दनों को। तो जिन्नात कहते थे ये तो हमारे बारे में नाजुल हुई। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्नात को यार सुना दिया तो आप मस्जिद में आए, और मस्जिद में आकर सहाबा को सुनाए, तो सहाबा जो है वो सुनते रहे खामोशी के साथ। जब पूरी सूरह रहमान सुना दी तो उन्होंने फरमाया तुमसे तो जिन्नात अच्छे हैं। सहाबा देखने लगे हजरत के, ये बाबू हर मरतबा कहते थे ला बिशय मिन नियामिक रब्बिना नुकज़्ज़ी फलकल हम्द, ए अल्लाह तेरी किसी भी नेमत का इनकार नहीं कर सकते, तारीफ तो तेरे लिए, तारीफ तो तेरे लिए, और तुम तो सारे के सारे खामोश बैठे हो। एक ने भी जवाब नहीं दिया। इस पर आपने फरमाया तुमसे तो जिन्नात अच्छे हैं। ये जो किस्सा हुआ मदीना मुनव्वरा में, इस पर आपने फरमाया कि तुमसे तो जिन्नात अच्छे हैं, कि देखो उन्होंने जवाब दिया। तो जिन्नात कहते थे कि जब जो जिन्नात हो गए जो वफूद थे, इसलिए कि जिन्नात जो है इन्होंने हुजूर को बिल्कुल नहीं सताया, इंसानों ने बहुत सताया। अब किसी किताब में नहीं पढ़ोगे कि जिन्नातों ने हुजूर को सताया। बदर में उन्होंने कायम नहीं किया, ओहद कायम नहीं किया, वो खंदक में नहीं आए, वो यानी किसी मैदान में आए नहीं, बल्कि जिन्नात हुजूर का सब जब हालात आने शुरू हो गए सारी दुनिया में, उन्होंने देखा कि कुछ अजीब चीज़ें हैं, हमारे लिए रास्ते बंद हो गए आसमानों के, तो नई चीज़ वजूद में आई है, तो मसला हुआ है दुनिया में। तो सारे जिन्नात जमा हुए, सारे जिन्नात इनके बड़े बड़े चौधरी, मैंने मशवरा किया कि भी कुछ मसला हुआ है दुनिया के अंदर। क्या मसला हुआ है? हम आसमानों पर जाते थे, बातें सुनते थे, नीचे आते थे, सारे दरवाजे बंद, कोई जाता है तो पिटाई होती है, दरवाजे बंद, कुछ हुआ है, देखो एक मामला हुआ है, एक मामला हुआ है। तो सारे जन्नतों के जमातों ने मशवरा किया कि दुनिया भर में अब इनके लिए घूमना फिरना कोई मुश्किल काम नहीं है। टोलियाँ की टोलियाँ रवाना हो गई, टोलियाँ की टोलियाँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादी नखला में सहाबा को फजर की नमाज पढ़ा रहे थे मक्का में। जिन्नातों ने देखा क्या, रे 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 ये कोई मामला है। अरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम नहीं, आप तो नमाज पढ़ा रहे हैं, पीछे साहब आए, आपको कुछ पता नहीं कि क्या हो रहा है। वो जिन्ना चुपके से उन्होंने जो है कुरान सुना,
और कुरान सुनते ही वो वहाँ से चले गए। हुजूर से मिले नहीं, ये भी मुलाकात करते हैं, आप कौन है हजरत जी ना। वही सरफना इलैक नफर मिन अल जिन यस्तमीउन अल कुरान फलम्मा हदरुहु क़ालू अंसितु। जब वो जिन्नात आए तो सबने जिन्नातों ने कहा खामोश रहो खामोश रहो खामोश रहो, सुनो सुनो सुनो। एक है सुनना, समय कहते हैं सुनने को यस्मऊन, और एक है यस्तमीउन। तो यस्तमीउन जो है गौर से सुनने को कहते हैं। तो जो सिर्फ सुनेगा उसको अल्लाह हिदायत नहीं देता, लेकिन जो गौर से सुनेगा अल्लाह उसको हिदायत देगा, ये अल्लाह का वादा है। आज ध्यान से सुने कि कहने वाला क्या कह रहा है, ये फर्क है। वमिन उमयस्तमी, यहाँ भी वे सरफ ना अलैहि नफर मिन अल जिन यस्तमीउन अल कुरान, ध्यान तो सुन रहे थे, और वो जिन्नात का जो अमीर था उन्हें अनसुच 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 खामोश। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज पढ़ा रहे थे वादी नखला के अंदर, जिन्नत जो है वो चले गए, और जाने के बाद वो अपने कौम में जाकर उन्होंने खुद दावत देनी शुरू की। कालू या कौमना इन्ना समिना कुरआनन अजबा, सूरह जिन्न नज़िल। कुलू हिया इलैया अन्नहु इस्तमा नफरुन मिनल जिन्न या कौमना अजीबू दाई अल्लाह व आमिनू बिह ويغفر لكم من ذنوبكم। ए हमारी कौम, एक अल्लाह का दाई आ गया है, उसकी बात सुनो, उसके बाद फिर लब्बैक कहो। या उधर सलाम को कुछ पता नहीं, उन्होंने जाते ही दावत का काम शुरू कर दिया। सुनती जब उधर सलाम फारिग हो गए, ये कुरान की आयतें नाजुल हुई। जब कुरान की आयतें नाजुल हुई तब आपको पता चला कि ओ हो अच्छा, जिन्नतों ने इस्लाम कबूल किया है। तो जिन्नतों ने कभी सताए नहीं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कभी भी नहीं, बल्कि कभी कभार आकर कहते थे, कहते तो आदमी बहुत परेशान। एक दो किस्से मिलते हैं, एक दो किस्से, कुछ लोग बहुत परेशान कर रहे थे, तो हज़रत अली ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हजरत ये इतना परेशान कर रहे हैं, दो तीन जिन्नतों को लगा लो, ठिकाने हो जाएंगे। ये किस्सा आता है, हज़रत अली ने कहा कि हज़रत ये लोग इतना परेशान कर रहे हैं, एक दो तीन जिन्नतों को लगा लो, अभी तो जिन्नत बहुत है मक्का मुकर्रमा में। इसलिए जिन्नतों में किस्से जो हुए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, आपने जिन्नतों में बयान किया, मक्का में भी बयान किया, मदीना में भी बयान किया, सही हदीसों में आता है। बाकायदा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते थे, तारीख मिलती थी, जैसे हम इज्तिमात की तारीख देते हैं ना किसी जगह, वैसे जिन्नत कहते थे कि हज़रत हमें भी तारीख दीजिए, हम भी तो आपकी उम्मती हैं, हम भी तो आपकी उम्मती हैं, हमें तारीख दीजिए। तो अब्दुल्ला बिन मसूद का किस्सा बहुत मारू मशहूर हदीसों में आता है, वो कहते थे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असहाबी सुफ़ा से, ये मदीना का किस्सा बयान कर रहा हूँ, बयान तो हुज़ूर ने मक्का में भी किया है जिन्नतों में, और बयान हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में भी किया है जिन्नतों के। तो कुछ छः बयान मिलते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, छः बयान किताबों के अंदर, अलग अलग किताबों के अंदर। एक बयान का खाली किस्सा बयान कर रहा हूँ, तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, भाई जितने भी सुफ़ा वाले हैं मेरे घर आ जाओ। सुफ़ा वाले यानी फ़ुक़रा ग़ुरबा होते थे, इनके पास खाना नहीं होता था, फाके में रहते थे। तो आपने कहा भी जितना भी जितने भी सुफ़ा वाले हैं वो आ जाएं, तो सारे के सारे सुफ़ा वाले चले गए, सब पेट भर के आ गए, अब्दुल्लाह बिन मसूद बैठे रहे। आपने फरमाया अरे अब्दुल्ला तुम नहीं आए खाने के लिए, हजरत आपने सुफ़ा वालों को कहा था, मुझे तो कहा नहीं था, मैं तो सुफ़ा वाला हूँ नहीं। थे ये भी गरीब अब्दुल्ला बिन मसूद, इनकी बीवी इनका खर्चा उठाती थी, ज़ैनब नाम था उनकी बीवी का, ये खर्चा उठाती थी अब्दुल्ला बिन मसूद का, काम करना, ये करना, वो करना। तो कभी कभी मियाँ बीवी के अंदर कुछ नोक झोंक भी हो जाती थी, तो अब्दुल्ला बिन मसूद कहते थे भी तुम मुझ पर क्यों बरस रही है, तो क्यों ये बातें सुना रही है, अगर शिकायत है तो हुजूर से जा करके। तो हुजूर के जब दरवाजे पर आ जाती थी ये ज़ैनब, और ज़ैनब भी खड़ी रहती थी, तो हज़रत बिलाल आते थे, पूछते थे क्या मसला है, तो अब्दुल्ला बिन मसूद की बीवी ज़ैनब कहती थी कि ये मसला है, ये मसला है, ये मसला है, मेरे बच्चियाँ, इनके बच्चियाँ बहुत थी अब्दुल्ला बिन मसूद,
ये मसला है, ये मसला है, ये मसला है, ये मसला है, आहिस्ता आहिस्ता कहती थी, क्योंकि दरवाजे छोटे करीब करीब से कहीं आवाज अंदर न जाए। और बिलाल ये कहना कि ज़ैनब ने कहा है, लेकिन ये मत कहना अब्दुल्ला बिन मसूद के ज़ैनब ने कहा है, लगते ज़ैनब बेटी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दिन बयान किया था कि औरतों तुम जो है सदका करो, तुम ये करो, औरतें बयान किया था मदीना मुनव्वरा में, और सदके की आपने फजलतें बयान की थी। तो ये औरतें आपस में कहने लगी हम सदका कहाँ से करें, हमारे शौहर तो कुछ करते ही नहीं, उनका खर्चा ही उठाते हैं। तो चार पांच आ गई, इत्तेफाक से वो सब ज़ैनब थी। ज़ैनब नाम जो है ये पुराना चला आ रहा है, ज़ैनब असलम ये ऊपर से नाम चला आ रहा है यहूदियों का, हुजूर ने नाम बाकी रखा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो जहर देने वाली थी उसका नाम भी ज़ैनब था। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये किया था बिलाल से, हुजूर ने कहा कि देखो कुछ औरतें जमा हुई हैं, क्या कहना चाहती हैं देखो। अब बिलाल जो है आए, इन्होंने पर्दे में सारी बात की, लेकिन बिलाल 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 अब्दुल्ला बिन मसूद की ज़ैनब ये मत कहना, बस इतना कहना ज़ैनबें हैं, इतना कहना। अल्लाह हुजूर सुन रहे थे, हज़रत आयशा भी सुन रही थी। जब हज़रत बिलाल आए तो हज़रत बिलाल ने कहा हज़रत ये है ये भी कह, शिकायत करने वाले कौन हैं ये बताओ। तो अब्दुल्ला तो हज़रत बिलाल कहने लगे कि हज़रत वो ज़ैनबें जमा हुई हैं। भाई ज़ैनबें तो हैं, तो आपने एक जुमला कहा अय ज़ैनब, भाई मदीना तो ज़ैनबों से भरा हुआ है, कौन सी ज़ैनब ने शिकायत की। तब हज़रत बिलाल जो है थोड़ा छुपाने की कोशिश कर रहे थे कि अब्दुल्ला बिन मसूद का नाम ना आवे। अब्दुल्ला बिन मसूद का एक मकाम था, अब्दुल्ला बिन मसूद के बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के बारे में तू जो चाहेगा मैं उसे कबूल कर लूँगा। कितना बड़ा एतमाद है अब्दुल्ला बिन मसूद पर। और हमारे जो फिरके हनफी है, हनफी हिंदुस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश तुर्की हम लोग अहनाफ हैं, ये फिरके हनफी में सबसे ज़्यादा हदीसें अब्दुल्ला बिन मसूद के ले गई हैं, सबसे ज़्यादा ये अब्दुल्ला बिन मसूद। एक मकाम था इनका सहाबा में भी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी, दुबले पतले थे, टांगे भी इनकी बहुत दुबली पतली थी, ये बहुत दुबली पतली इनकी पिंडलियाँ बहुत दुबली पतली। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा भरे मजमे में कहा बे हश्र के मैदान में तुमको भी तोला जाएगा, यानी इंसान जैसे अमल तोले जाएंगे ना वैसे आदमी भी तोले जाएंगे। तो साहब एक दूसरे की तरफ देख कर मुस्कुराने लगे, भाई क्यों मुस्कुरा रहे। मैंने कहा इसका तो कुछ वजन होने का नहीं, अब्दुल्ला बिन मसूद का दुबले पतले। आपने फरमाया भी क्यों मुस्कुरा रहे, फरमाया इसका तो कुछ वजन होने का नहीं, हमारे कहते सिंगल फजली कैसा तो कुछ वजन होने का नहीं। आपने फरमाया ला 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 ये बात नहीं है, हशर के मैदान में जब अब्दुल्ला बिन मसूद को तोला जाएगा तो उसके दोनों पिंडलियों का वजन ओहद पहाड़ से भी ज्यादा होगा। ये जुमला आपने फरमाया ओहद पहाड़ से भी ज्यादा होगा। मीना में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सांप निकल आया, हज में थे, सांप ऐसा आया कि जहाँ हुजूर माए सारा काफिला ठहरा हुआ था वही सारे के सारे सहाबा जो है घबरा कर उठे, माए भी जो है बाहर आ गई, सांप 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 सांप। अब्दुल्ला बिन मसूद जो है दुबले पतले थे, उन्होंने सांप का पीछा किया, सांप आगे आगे अब्दुल्ला बिन मसूद पीछे पीछे, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूँ देख रहे अरे कहाँ जा रहा कहाँ जा रहा अब्दुल्ला बिन मसूद, और ये दुबले पतले थे बराबर पीछे पीछे भाग रहे भाग रहे भाग रहे। अच्छा सांप जो पीछे मुड़ के देखता भी था, लेकिन अब्दुल्ला बिन मसूद जो है हाथ में कोई चीज लकड़ी ऐसा यूं कर तो सांप और आगे भागता था। तो हुजूर को ये फिक्र हुआ कि कहीं जो है ये दस्त न लें, चुनांचे वो सांप जो है वो किसी गार में जाकर दाखिल हो गया तो अब्दुल्ला बिन मसूद वहीं खड़े खड़े हाँपने लगे काँपने लगे, भी भाग कर आए हैं ना। जब अब्दुल्ला बिन मसूद वापस आए तो क्या हुआ भी, हजरत मैं गया उसके पीछे सोचा कि मारूं, लेकिन वो गार में चला गया। तो आपने जुमला कहा चलो अल्लाह का शुक्र है सांप तुम्हारे शर से बच गया और तुम उसके शर से बच गए।
یہ مینا میں حضور نے کہا کہ سانپ تمہارے شر سے بچ گیا, اب تم اس کے شر سے بچ گئے. تو ان کا ایک مقام تھا. تو حضرت بلال جو دائیں بائیں ہو رہے تھے, حضرت عائشہ ہی پوچھ رہی تھی کہ زینبیں تو بہت ہیں, زینبیں تو بہت ہیں مدینہ میں, کون سی زینب ہے؟ اچھا عبداللہ بن مسعود کی زینب بھی سن رہی تھی باہر کہ کہیں میرا نام نہ آ جائے. پھر حضرت بلال کو مجبوراً کہنا پڑا عبداللہ بن مسعود والی زینب. اچھا عبداللہ بن مسعود بولا اس کو اندر, بلایا اندر, کیا مسئلہ ہے؟ حضرت آج آپ نے سب خیر خیرات کا کہا ہے اور میرے گھر میں تو ایک بیٹیاں ہیں اور عبداللہ بن مسعود کا حال تو تم جان آپ جانتے ہی جانتے ہیں, اور گھروں میں کام کاج یہ کرنا وہ کرنا یہ سارا میں کرتی ہوں اور میں اب صدقہ کیسے کروں؟ اس پر آپ نے فرمایا لکے اجرین, لکے اجرین, عبداللہ بن مسعود پر خرچ کرو دگنا اجر تمہیں ملے گا. ایک تو صلہ رحمی کا اجر ملے گا, تمہارا شوہر ہے صلہ رحمی, اور ایک صدقے کا ثواب ملے گا. یہ نہیں ہے تو تمہیں ثواب نہیں ملے گا, لکے اجریں. تب سے عبداللہ بن مسعود کی بیوی جو ہیں یہ خاموش ہو گئی, چونکہ بچیاں بہت تھیں. عبداللہ بن مسعود حضرت عثمان کے زمانے میں ان کا انتقال ہوا ہے. جب انتقال کا وقت قریب آیا حضرت عبداللہ بن مسعود کا, تو حضرت عثمان جو ہے بہت مال لے کر پہنچے اور سرحانے بیٹھے. طبیعت پوچھی کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ تو عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ اب میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں, میرا وقت قریب آ گیا ہے, میں نے خواب دیکھ لیا ہے. کسی کا انتقال کا وقت قریب ہوتا ہے تو اللہ خواب دکھاتا ہے اسے کہ چلو اب تیاری کرو. کہ میں نے جو ہے ساری تیاری کر لی ہے. اور تو عثمان کہنے لگے بھائی جو بھی خیر ہو دنیا میں رہنا خیر ہو تو اللہ تعالیٰ دنیا میں رکھے, دنیا سے جانے میں خیر ہو تو اللہ تعالیٰ دنیا سے لے جائے, لیکن یہ میں مال لے کر آیا ہوں ہدیہ. یہ حضرت عثمان نے کہا یہ ہدیہ ہے. تو عبداللہ بن مسعود نے کہا ماں حضرت یہ کیا ہے؟ تو کہ اس میں دینار درہم ہے. تو کہا کہ میں تو مر رہا ہوں, مرتے مرتے مال دے رہے ہو تو مال کا اور موت کا کیا جوڑ؟ کہ آج کسی کا انتقال ہو رہا ہو 50 کروڑ دو تو وہ خوش نہیں ہوگا کہ وہ دنیا سے جا رہا ہے وہ. تو حضرت عثمان نے کہا عندک بنات کثیرہ, تیری بیٹیاں بہت ہیں. کبھی بھی یاد رکھنا کسی کی بیٹیاں زیادہ ہو دل چھوٹا نہ کرنا, اللہ ان کے مقدر کا دیتا ہے. یہ دل میں منت مت لانا کہہ رہے یہ کیا ہو گیا یہ پتھرا آ گیا. آج کل اللہ معاف فرمائے لڑکی پیدا ہوتے بھی کہتے پتھرا آ گیا. یہ جملے اللہ کو پسند نہیں ہے, یہ تقسیم اللہ کی, اللہ نے پیدا کیا. عندک بنات کثیرہ, تیری بیٹیاں بہت ہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ تجھے اس مال کا مالک بناؤں, تیرے انتقال کے بعد تیری بیٹیوں میں میراث میں تقسیم ہو, تیری بیوی زینب کو بھی ملے, اور یہ اور چونکہ مال تیرے پاس ہے نہیں. تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے جواب دیا اجلسونی اجلسونی اجلسونی, مجھے بٹھاؤ مجھے بٹھاؤ, مرض الوفات میں تھے, مجھے بٹھاؤ مجھے بٹھاؤ. بٹھایا گیا, یہ فرمایا کہ یہ مال آپ کو مبارک, مجھے اس مال کی ضرورت نہیں, اور میری بیٹیوں پر جو تمہیں فاقے کا ڈر ہے تو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس گھر میں رات کے وقت میں سورہ واقعہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں کبھی بھی فاقہ نہیں آتا. میں نے میری بیٹیوں کی عادت ڈال رکھی ہے روزانہ رات کو سونے سے پہلے یہ سورہ واقعہ پڑھ لیا کرتی ہیں, میری بیٹیاں کبھی بھوکی نہیں رہ سکتی. یہ کہا اور عبداللہ بن مسعود کا انتقال ہو گیا. فرد عثمان نے مال جو ہے زینب کو دیا اور پھر کہا کہ لو بھی اپنی بچیوں پر خرچ کر لینا, چونکہ امیر المومنین تھے حضرت عثمان, ان کو مال دیا ہے اپنی بچیوں پر خرچ کرنا, یہ عبداللہ بن مسعود. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب صفا میں سب کو بلایا تھا عبداللہ بن مسعود تم کیوں نہیں آئے, تمہارے گھر میں بھی اتفاقہ ہے. حضرت آپ نے تو مجھے بلایا نہیں, آپ نے تو اہل صفا کہا تو صفا والے چلے گئے, میں اہل صفا میں ہوں نہیں, میرے تو یہ بچے ہیں یہاں مدینہ منورہ, میری بھی بچے تو ہیں. آپ نے فرمایا چل کوئی بات نہیں, اب کہیں سے کھانا آئے گا میں تجھے بلا لوں گا تو آ جانا.
ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्लाह बिन मसूद से कहा। इतने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बांदी को भेजा, डरी रखो, ये कहा जाओ अब्दुल्लाह बिन मसूद को बुलाओ। तो अब्दुल्लाह बिन मसूद खुश हो गए, खाना आ गया होगा कहीं से। आदमी ये सोचता है कि कहीं से खाना आ गया होगा, तो उसने खाने के लिए बुलाया। अब जब अब्दुल्लाह बिन मसूद गए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छे कपड़े पहन कर, खुशबू लगा कर, तैयार होकर, जैसे कहीं का सफर हो, बाहर खड़े हुए घर के। तो अब्दुल्लाह बिन मसूद ने कहा कि खाना बाना तो है नहीं, मामला कुछ और है। खाना तो है नहीं लेकिन मामला कुछ और है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ पकड़ा, इधर मैं चलो अब्दुल्लाह बिन मसूद चले। चलते चलते अब्दुल्लाह बिन मसूद ने ये तो पूछा नहीं कि हजरत कहाँ जा रहे हैं। तो हुजूर ने हाथ पकड़ा तो क्यों पूछे आदमी। अब रवाना हुए चल रहे हैं। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ने वजाहत की भी आज जिन्नातू की तारीख है और आज जिन्नातू में मेरा बयान है। तो मैंने सोचा भी किसको लूँ, इसलिए कि तुमसे मिलकर आया था मस्जिद नबी में, तुम बैठे हुए थे, बाकी तो सब अपने अपने घरों में जा चुके हैं, तो तुमको ही ले लिया। अब्दुल्लाह बिन मसूद कह दिया कि दूसरा टेंशन शुरू हो गया, फिर तो भूख थी। और हुजूर ने कहा जिन्ना पे बयान के लिए जाना है, मेरा कहीं मामला ऐसा हुआ नहीं था मेरे साथ। और हुजूर हाथ पकड़ के ले जा रहे हैं। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब करीब, जहाँ बयान था वहाँ जब करीब पहुँचे, तो आपने फरमाया देख अब्दुल्ला, मैं बयान करूंगा, अजीब अजीब शक्लें दिखाई देंगी, अजीब अजीब, बड़े बड़े बाल, लंबे लंबे बाल, दांत निकले हुए, आंखों में से आग निकल रही, ऐसी शक्लें दिखाई देगी। तू, मैं तुझे दायरा करके बिठाऊंगा, वहां से हटना मत, अगर वहां से हटा तुझे उचक लेंगे, वहां से हटना मत। तो अब्दुल्लाह बिन मसूद ने क्या कहा, हजरत मैं तो आपका पाँव पकड़ के बैठूंगा। आप बयान करेंगे, आपका पांव पकड़ के बैठूंगा, आप जहां वहां में, आप जहां वहां में। तो अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान शुरू किया, जब बयान शुरू किया तो मैं हुजूर से बिल्कुल लग कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव पर जैसे हाथ रखकर बैठ गया। अब आंखें मैंने जो खोली तो खतरनाक किस्म के चेहरे दिखाई दिए, और तो मैंने अपनी आंखें ही नीचे कर ली, देखा ही नहीं। जब हुजूर बयान से फारिग हो गए तो जिन्नातों ने अपने कुछ मसले रखे कि हमारे खाने का किया, हमारी गिजा किया, इसलिए कि हम तो जो है फला वाला जगह रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, यहाँ रहते हैं, कुछ मसले। अब वो तफसील है उसके, क्या मसले पूछे, कभी सुनाएंगे इंशाल्लाह। तो हुजूर जवाब देते रहे, इसका हल ये है। वापसी में आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को जमा करके दूसरे दिन कहा कि देखो भी तुम्हारे भाई जिन्नात तुम्हारी शिकायत कर रहे थे, इसलिए वो भी मखलूक है, अल्लाह के बंदे हैं, वो भी मेरे उम्मती हैं, तुम भी मखलूक हो, अल्लाह के बंदे हो, मेरे उम्मती हैं, उनके लिए ये जगह तुम न करो जिससे उनको तकलीफ हो। कि उस दिन ने मसले बयान किए, बाद में कभी इंशाल्लाह बताएंगे। तो अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते थे कि बस वो दिन मैं जिंदगी भर भूलूंगा नहीं। जब हुजूर ने मुझे कहा था चलो जन्नत में बयान के लिए जाना है, तो तीन बातें याद रखना, अपना दीन सीखो, अपने दीन पर चलो, अपना दीन दुनिया में फैले उसकी कोशिश में लगे रहो। करोगे इंशाल्लाह भाई, अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।